जी जनाब, मेरा नाम जफर अख्तर है। बताइए आपको क्या एतराज, क्या है, क्या सवाल है? आज हमें कुछ नहीं है। लोग लगातार जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम पूछने आए कि वाकई में अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल, तो मैं पकड़ लूंगा। अच्छा, तकलीफ ना, ये बात बिल्कुल सही है कि मुसलमान के साथ जो है यहाँ जो है ना इंसाफी की जाती है और मुसलमान को दबाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमान को तो सबका देश है ना, हिंदू मुसलमान दोनों ही नहीं हो रहा है। जैसे सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है। अब मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग बरसों से, हजारों साल यानी सौ साल, कई सौ साल से हम लोग हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हम मिलकर रहना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं। कौन रोक रहा है? नहीं रोकता है, मजहब के नाम पे लड़ा रहा है। कौन लड़ा रहा है? गवर्नमेंट लड़ा रही है, और कौन? जब आप सबसे बड़े हैं, जब आप सबसे अभी बड़े पोस्ट पर हैं, अगर कहीं लड़ाई होती उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो पार्टी का आदमी उसके ऊपर है। तो वो सबसे बड़ा नेता वो तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। यही तो गलत है, सबका विश्वास हमें मिल रहा है, तो सब गलत कह रहे हैं। अभी तक जो बेईमानी करके जो जीते हैं ना, अरे कम से कम अच्छे काम कर लो। आदमी को सबको ऊपर वाले के पास जाना है। अरे तुम जो भी धर्म के हो उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन इंसानियत को बरकरार रखो। और इंसान इंसान का साथ देता है, इसको तुम लड़ाने की कोशिश मत करो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ज्ञान वापी से वो मिल गया शिव जी का लिंक, अरे झूठ झूठ कितना फैलाओगे? अरे पब्लिक को तो सब मालूम है ये सब झूठ है, ये सब धोखा है। लेकिन वो तो सर्वे में निकल के आया है ना। अरे सर्वे में निकलेगा कैसे? सर्वे में तो हिंदुओं ने भी वहाँ के वो क्या कहते हैं, एक मिनट, वहाँ के जो है हमने भी देखा है, क्या नाम है, बनारस के जो है मंदिर में एक गए सर्वे में मालूम करने, उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं भी बचपन से वहाँ जाता था और वहाँ वो कभी शिवलिंग था ही नहीं, वो फव्वारा था। अब तुम लोग उसको बना करके कल जामा मस्जिद में बोलोगे खोदने से हमको मूर्ति मिली। कुछ लोग कह रहे हैं कि जामा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। यही तो कह रहा हूँ, हजारों साल पहले की मस्जिद बाबरी को तोड़ दिया, ले लिया, लोगों ने सबर किया कि भाई कोर्ट का इंसाफ है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है, असल में ये जुल्म है। ये हम लोग कोर्ट को अपना यानी सबसे बड़ा समझते हैं अल्लाह और रसूल के बाद, लेकिन कोर्ट ने इतनी ज़्यादा नाइंसाफी की। हकीकत है ये है कि कोर्ट ने हमारे साथ हमारी कमजोरी के ऊपर नाजायज फायदा उठाया, कोर्ट ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया। मुल्क के जो सरगना है, जो सबसे बड़े बड़े हैं, वो लोग मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। और क्या करते हैं, जिस तरह भी हो, देखिए नौकरी मुसलमानों को नहीं दी जाती है। कौन मना करता है? कौन मना? अरे आपकी सरकार, आपकी हुकूमत, आपका पुलिस, आपकी नेता, आपके फौज, और आप ये कहते हैं हिंदुओं को डर है, ये क्या मतलब है भाई? लेकिन हिंदू तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि बेरोजगारी हो रही है उनको, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। सबके लिए है, मेरे हिंदू भाई के लिए भी है और मुसलमान के लिए ज्यादा है। अरे जब हिंदू भाई को नहीं देता है, अरे हम कहते हैं कि तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अरे ये हिंदू का भी नहीं है, ये सरकार किसी का नहीं है, ये सिर्फ तीन चीज जानता है, जिस नहीं गौर से सुनना, किसी भी हालत में हमारा शासन, हमारा क्या कहते हैं सीट नहीं जाए, दूसरी बात दाम दंड भेद तीनों चीज अपना लेगा ना, जिस तरह से भी होगा कोशिश यही करेगा कि मैं कुर्सी को हासिल करूं। दूसरा काम क्या है, सबसे पहला काम कुर्सी को हासिल करने के लिए चाहे लाश के ऊपर से जाना पड़े, किसी को कत्ल करना पड़े, खून रेजी करना पड़े, सच बोलने के लिए शायद मुझे जेल हो जाए। वो भानु प्रताप एडवोकेट कितना बेचारे बोले, उससे कोई फायदा नहीं। तो दूसरा काम दंड, तीसरा काम भेद, ये क्या करेगा? तीन चीज करता है, साम दाम दंड भेद की बात, ये अपना लेगा कुर्सी लेने के लिए। दूसरा काम बीजेपी का सिर्फ पैसा जमा करना है, तीसरा काम सीट को नहीं छोड़ना, पैसा जमा करना, सीट लेना।